I am from brigade of the guards. Uh, I took part in seventy-one operations. There are few instances uh, they, that uh, we faced. Um, I'll tell you the story at few places. Mm -hmm. I am from brigade of the guards. Uh, I took part in seventy one operations. There are few instances uh, they, that uh, we faced. Um, I'll tell you the story at few places. Once we were advancing towards the Bogra town, that is on fourteen December seventy one. My platoon was on the left side, and uh, brave company, and I was part of the brave company. Right side was the alpha company. न बी वडवांसिंग वॉन्स सेल लैंडेड इन द बम्बू ग्रोवस और उसके अंदर एक बहुत चीख निकली बहुत आवाज़ निकली तो मैंने कहा कि पोजीशन चेंज करो हम बाएं की तरफ कोई सौ गज़ के करीब भागे और तो जो एल के ऊपर जो एक जवान वो मारा गया था और जो बाकी दो थे उनके हाथ में एल थी और दो बॉक्सिस थे तो मैं उनको मुराल बूस्टिंग के लिए बता ही रहा था कि आपके वेपन ठीक हैं बेल्ट ठीक है ये तो होता रहता है लड़ाई सब चलता है इन द मेन टाइम दे अगेन द ए सेल एंड वी वर सो क्लोज टू द एनिमी दैट इज सो वी स्टार्ट काउंटिंग वी टुक पोजिशन अंडर ए ट्री बिग ट्री आई इन ए नीलिंग पोजिशन आई वॉज इन बिटवीन ऑन माई लेफ्ट साइड देर वॉज ए जवान राइट साइड देर वॉज माई जवान सो वी काउंटेड एटीन सेकेंड्स बिकॉज इफ द सेल इज गोइंग टू फॉल विद इन एटीन इफ द सेल यू हेयर सम साउंड इसका मतलब सेल कहीं पीछे जा कर गिरेगा तो अगर वो साउंड नहीं आता तो सेल आपके आसपास गिरेगा तो बी काउंट स्टार्ट काउंटिंग जब एटीन सेकेंड काउंट हुआ तो एकदम से सेल जो हमारे राइट right में एक गज के ऊपर गिरा पेड़ के ऊपर मेरे जैसे कान नहीं मेरे आंखें नहीं धोबा वो डस्ट उड़ा और कान इतना जैसे सुनाई कुछ नहीं दिया जब मैंने राइट को देखा तो वो जो जवान मेरे राइट में बैठा हुआ था वो लेटा हुआ है गिरा हुआ है और उसके ऊपर टहनी गिरी हुई है इसका मतलब ये हुआ कि एनीमी ने हमें के ओ ने हमें देख लिया है तो फिर मैंने कहा कि भागो बाई तरफ सौ गज़ के ऊपर हम वहाँ पर गए शाम का कोई पाँच छः बजे का टाइम था मैंने उसको जब वो फायरिंग बंद हुआ और पीछे से हमें ऑर्डर्स मिले कि आप विड्रॉ करो रात हो गई अभी विद्रॉ करो तो हम अपनी कैजुअलिटीज़ को कभी छोड़ते नहीं जहाँ तक मुमकिन हम अपनी कैजुअलिटीज़ को लेके साथ उठाते हैं तो जब मैं इसके पास आया तो ये जवान गिरा हुआ पेड़ की टहनियाँ गिरी हुई इसकी जो राइट ये कंधा है यहाँ पे इसकी हड्डियाँ निकली हुई राइट का कान जो है उसकी हड्डी निकली हुई थी मैंने बाकी पांच जवानस के जो सारे हेवर सैक थे जो भी वाटर बॉटल थी बेल्ट थी वो एक जवान को दे दिया मैंने भी अपनी स्टैंड उसको दे दी और हमने बारी बारी से इसको फायर मैन लिफ्ट करना शुरू कर दिया जो ही हम इसको मैंने अपने कंधे पर ऊपर उठाया तो ऊपर से उन्होंने उनका शायद ओ पी हमें देख रहा था उन्होंने स्मॉल आर्म से फायर करना स्टार्ट कर दिया वो किसी ऊंची बिल्डिंग पे बैठे हुए थे और हमें वो फायर करना स्टार्ट कर दिया तो ये जवान जो था काफ़ी लंबा था काफ़ी मोटा था तो फिर कंधे पे बोझ भी लगता था तो ये जो ऊपर से फायर आया तो मैं थोड़ा सा नीचे झुका कहीं गोली ऊपर से ना लग जाए क्योंकि वो गोली ऊपर से नीचे आ रही थी तो हम खेत के एक नाले के अंदर से जा रहे थे तो जब मैं आगे गया तो मैंने देखा सामने कोई दो गज़ के ऊपर एक कोबरा ब्लैक कलर का खड़ा खड़ा हुआ है बिल्कुल अपना वो फन आगे निकाल के ऐसे खड़ा हुआ है ऐसे हिला रहा है उसको तो विद ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आई थॉट बट टू डू नाउ आई जस्ट टू के लेफ्ट टर्न वो सांप भी चला गया वहाँ से और वो जो उनकी सेलिंग वो बंद हो गई इसके बाद मैंने उसको वहाँ पे हट्स थी वहाँ से सीडी थी उस सीडी को निकाला उस स्ट्रेचर बनाया उसके ऊपर उसको लिटाया दैट टाइम आई जवान्स टाइट और फिर मेरे एक जवान के हाथ कटा हुआ था फिर हम वापस दूसरे उठा गए वापस लाए तो जो हमारे बाकी सुविधा मेजर्स की ड्यूटी होती है रात का जी, जैसे भी रिलीजन होता है उसके मुताबिक उसको क्रियाक्रम करने का दूसरी अल्फा कंपनी की तरफ से मैंने देखा वहाँ भी दो हमारी बॉडीज आ रही थी हमारा जो डॉक्टर था डॉक्टर क्रुफ जो था वो ओपन जीप ले गए पाकिस्तान की खुद ड्राइव करता हुआ उसका वो नर्सिंग असिस्टेंट उसके साथ बैठा हुआ वो भी कैजुअलिटीज़ उसमें डाले हुए पीछे घूम रहा था मतलब इट वॉज ए ऐसा सीन मैंने पिक्चरों में भी कभी देखा जो मैंने वहाँ पर देखा आई थिंक आई फेस्ड माई डेथ आई सॉ माई डेथ इन फ्रंट ऑफ माई आइज फर्स्ट नीयर द ट्री सेकेंड नीयर द स्नेक एंड दैट टाइम आई एव सीन इट दिस अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई कॉन्ट फॉगट इन माई लाइफ नाउ दिस इज दिसर्स दैट स्टिल इट इज ऑल द टाइम इन फ्रंट ऑफ मी और एक जो हमने स्टार्टिंग में हम गए एक बसंती बी ओ के ऊपर अपने इंडियन बॉर्डर्स पे तो पाकिस्तान की थी एक जलपाई तोली बी ओ पी रात को दस बजे वी क्रॉस दैट इन बॉर्डर्स एंड वी टुक मुक्ति भाई नी एंड वी वेंट टू आवर माय जॉब वाज व्हेन द चाली कंपनी आई वाज इन ब्रेव कंपनी आई पुट ए रोड ब्लॉक ऑन ए ब्रिज स्मॉल ब्रिज कलवर्ट राधर देर वॉज ए कलवर्ट एंड स्मॉल पॉन्ड सो आई वैन वी वेंट देयर वी अवॉइड द विलेजेस Because if we go near the villages, the dog will bark and the people will wake up and they will come to know who is going and all that. So, we, we rather uh, took a long route and uh, with the help of Mukti Bhaini, uh, we reached our destination. When the Charlie company reached the FUP and I, uh, they passed their signals and I also passed my code words, then our RT selling started. And uh, in the meantime, they attacked. But the enemy went on the other side, on the Ganipur side. So, but in the morning when I got up, when in the morning and first light when I saw it, uh, we couldn't sleep that night. But in the morning when I saw first light, I saw the enemy and I switched over to the RT and uh, fired. So few of the casualties uh, was done by our mortars. So this was a great experience. So then they, in the, they start selling the area. Because this was marked on the map, the culvert and the pond. So we were just lying down and digging, lying down and digging. But thank God, no one was injured. So on that day, our breakfast came at three o'clock evening, and you know how the breakfast came. Uh, our quartermaster he put the some uh, uh, puri and aloo ki sabzi in a big patila, and he put it on the ground, and he also lay down on the ground. And he, he just pushed that uh, Patila and uh, keep like that. So he took around one hour in reaching, say, around uh, 1,000 yards. That 3 o'clock we had those puris. Then we also fired at the enemy. We start selling, then they stopped. Then we were comfortable after that for a few days. एक बार हम बॉर्डर्स पे थे तो रात को मैं, मैं कंपनी कमांडर हम बैठे होते तो वहां पे उसका इलाका ऐसा है कि बहुत झुंड है और बहुत प्लेन एरिया था तो एक लाइट एक झुंड में गिरी नजर आई साइमल्टेनियसली वी सॉ लाइट इन डिफरेंट बेंबू ग्रोस, एंड इमीडिएटली व्हेन लुक टू आर थर्ड दर्ड लाइट ऑल्सो सी विग और सस्पिशियस बी आस्ट वट इज दिस इट मीनस दमथिंग रॉन्ग पाकिस्तान इज डूंग स्पाइंग ऑन एस सो वी आस्ट वन ऑफ द चेफ्स के भाई यहाँ पे कोई पाकिस्तान का है नज़दीक है कोई खबर कौन देता है ये जो लाइटिंग सिस्टम क्या है तो एक आदमी बड़ा सॉलिड उसका वो हमारे पास आया वो कहता है कि साहब ये एक यहाँ पे छोटा गाँव है उसमें एक के पास वायरलेस सेट है वो खबर देता है आपकी जो ये कितनी गाड़ियाँ हैं क्या है इनके बारे में खबर देता है गन्स हैं या टैंक हैं इनके बारे में खबर देता है तो हमने रात को तीन बजे ही उसी गांव में रेड किया वो छोटा गांव था छोटी वो झोपड़ी जो छोटा ही गांव था उसमें मैंने अपने एक मेरा वो था नाइफ सुधार फिलिप्स तो उसको उसको कहा कि तुम इसके दोनों तरफ एलएमजी का वो लगा दो चारों तरफ से गांव को हमने उसको घेरा डाला और जो उस आदमी के साथ जाकर उस घर में गए उसका छोटा मकान झोंपड़ी थी उसका हमने खोला उसकी उस घर में फैमिली थी कोई ज़्यादा सामान भी नहीं था तो हमने इससे पूछा इस आदमी से कि इसके पास वायरलेस सेट कहाँ है वो कहता साहब इसकी पिल्लों के नीचे है तो मैंने कहा पिल्लों के नीचे इतना पिल्लो तगत के ऊपर पिल्लो है तो कहाँ वायरलेस सेट है नज़र तो आता नहीं तो उसने वो देखा हमने देखा तो उसमें कोई वायरलेस सेट नहीं था कहता साहब कल तक था आज नहीं है और वो यहाँ से दूसरे गांव में रिश्तेदार है वहाँ उसको वहाँ भिजवा दिया है तो दूसरा गांव कहाँ है हमने पूछा तो वो कहता है वो नदी के पार है वो नदी बहुत आ, गहरी नहीं थी लेकिन वो चौड़ाई में काफ़ी वो थी उसकी चौड़ाई काफ़ी थी और उसका पानी का फ्लो बहुत कम था तो हमारे कई जवान को तैरना भी नहीं आता था तो पाइनस के भी एक दो जवान मेरे साथ थे तो हमने वो बनाना ट्री का जो, जो जो बनाना ट्री होता है उसको काटा केले के पेड़ को उसका राफ्ट बनाया राफ्ट बना के उसमें किस्ती बना के हमने उसको क्रॉस किया और दूसरे गांव में सुबह हम पाँच बजे पहुंचे अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट लाइट के ऊपर जब वहां पे गए तो वो पता लगा कि वो सब लोग हमें देखने लगे ये आर्मी आ गई यहाँ पर तो इस आदमी ने एक के घर पर हमें बताया कि इस घर में वो जासूसी करता है तो मैंने उन घर वालों सबको बुलाया बाहर फॉलिंग किया उसमें उनके बीबी बच्चे और सब छोटे बड़े सारे उस पर हाजिर थे तो इसने कहा ये आदमी है वो आदमी होगा कोई साठ सत्तर साल का बुढ़ा आदमी कदा साहब ये है ये जासूसी करता है तो मैं जो उसे बोलूं तो वो मैं समझ नहीं आई उसकी बंगाली मुझे आती नहीं थी ये मुझे बताई नहीं गई क्या बोल रहा है और वो सर्दी के उसमें उसको कप -कपी लगी ठंड लगी हुई उसके पास एक छोटा हाथ धोती और एक ऊपर बुनियान टाइप था कुछ तो मैं सोचा इसको ले चलते हैं हम हाँ दोबारा वही प्रोसीजर वापस आए राफ्ट से क्रॉस करके नदी अपनी लोकेशन पे आए तो पता लगा कि ये आदमी हो ही नहीं सकता जासूसी कर ही नहीं सकता तो इसको हमें तंग भी हुए रात को गए इतना दूर सर्दी में गए नदी क्रॉस की तो मैंने इसको पीटना शुरू किया जिस जिस आदमी को हमें पहले बताया था ये बताया ही नहीं पानी में इसकी गर्दन लेके इसकी पानी में वो डुबकी मारी वो बुल बुलबुलें निकले तो भी फिर छोड़ दें फिर करें इसको पीटा मारा इसने नहीं बताया जब इसको काफ़ी वो किया तब इसने ऑन ऑफ किया कहते साहब मैं बताता हूँ मेरे से गलती होगी मैंने गाँव का सरपंच का इलेक्शन लड़ा था और इस आदमी ने इस फैमिली ने मेरी सरपंच की वोट नहीं दी थी तो ऐसे ऐसे भी आपको फेस करना पड़ता है सो मेनी थिंग्स यू हैव टू फेस इन वॉर lot of uh, things to remember uh, because the bangladesh was a uh, lot of rivers a lot of bamboo groves and when we reached it was raining season so you have to go from place a to b so what we did we, we, we took out the railway tracks with the help of civilians and first our heavy vehicle went on that then the other then we, uh, we used as a track uh, as a road that railway track so, sometimes you know different uh, things you come across. Once we were going uh, during war, there was on 11th December or something, the enemy blown up the bridge mm -hmm. and we were on the road and uh, our CO said, okay, you take a tank and go left side and see whether the PD-76 tank can cross it or not from the river because PD-76 can cross mm -hmm. the uh, river also. When I took the tank, they start selling the area with the, uh, to hear the sound of the tank, they start selling that particular one acre. We switched off, I mean, uh, of the tank and we were lying down, by Salman Major Parmar as a RT officer, along with our, uh, what you call, uh, radio operators. And then when they stopped selling, I just uh, sat down and saw what they are doing. So in front of me, there was some banana tree. So they fire an RL, RL, which can fire a direct as a, an indirect fire also. And it just went from few uh, inches from my ear. You know, so these are things uh, you have to face in war. And there was uh, one instance, uh, we have to, early morning, we were standing on the road getting ready for march to advance to contact. And my one of the joans he brought a cup of tea for me in a glass. I, I looked towards left and I saw a man in a khaki dress is coming with his rifles uh, in, uh, up. So I immediately I spotted that yes, it can be Pakistanis because they are wearing a Khaki dress, and you know, I called him. He said, uh, Sab कल आपने हमारे वो जो थे ब्रिज के दूसरी तरफ वो काफ़ी बम्बारमेंट कर दिया एयर एयर ड्रॉप वो किया और हमारी जितनी गाड़ियां हैं वो सारी ख़त्म हो गई और मेरे कंपनी कमांडर मेजर ने ये कहा कि बाकी कंपनी में जाओ और ये कह के आओ कि जो खाना तुम्हारे पास है उसी में काम चलाना है और आगे खाना नहीं मिलेगा मैं ये कह के जब वापस गया तो मेरा कंपनी कमांडर वहाँ से भाग चुका था तो मैं वापस आया मैं सीधा आपके पास ही आ गया तो मैं मैं मैंने पूछा आप क्यों भी फिर तुम डरने लगता क्या ऐसे कैसे आए वो कदर साहब मैं तो 65 फाइव वॉर में भी प्रिजनर ऑफ वॉर था मुझे पता है कि इंडिया वाले कितने हमें कुछ नहीं कहेंगे यहाँ भूखा मरने से अच्छा है कि हम वहाँ पर आराम से रहें और अपने वतन वापस चले जाएंगे तो मैंने कहा कि आपके और भी कोई है वहाँ पर तो उसने कहा वहाँ पाँच छः और बैठे हुए हैं लेकिन उन्होंने कसम खाई वो नहीं आएंगे वो कहते हम हाथ धो पर नहीं करेंगे हम नहीं आएंगे तो मैंने अपना वो सेक्शन लिया और वो एक दस जवान लिए और वहाँ पे बाई तरफ रोड उस पर गया रोड के और नदी के किनारे पे देखा तो सामने उनके बंकर्स थे और उनके वो बैठे हुए थे हमने फायर स्टार्ट किया उन्होंने फायर स्टार्ट किया वो हाई ग्राउंड पे थे हम झाड़ी के अंदर थे तो हमारी कैजुअलिटीज होने का खतरा ज़्यादा था तो मैंने फिर उसके बाद वहाँ पर ऑर्डर दिया वि तो हम सारे जब विड्रॉ करते जिग जैग वे विड्रॉ करते हैं जैसे सांप चलता है पीछे हमने ऐसे स्नेक जैसे चलता है वैसे हमने विड्रॉ किया लेकिन एक जवान हमारा काफ़ी लंबा एकदम से खड़ा हुआ पीछे जाने के लिए उसकी छाती में चेस्ट में बुलेट लगी एंड ही डाइन थोड़ी देर के बाद हमने उसको उसको पीछे खींचा हमारे कंपनी हॉलदार मेज़र बाकी दो जवान उसको पीछे टांग पकड़ के उसके पीछे खींचा और उसको पीछे लाए और ये जवान हमारा एक दिन पहले आया था बटालियन ज्वाइन की थी ये शादी करने के लिए गया था रिकॉल हुआ और वहाँ पे आया था ऐसे ऐसे भी ट्रेजडी हमने देखी है एक बार हमारा वो एक मोहनपुर ब्रिज था वी वर देयर अर्ली मॉर्निंग और वन ऑफ द माय क्लोज फ्रेंड कैप्टन जगदीश ही वेंट फॉर अर्ली मॉर्निंग आउटसाइड सो कुड वी आई वी दैट व्हेन ही वाज गोइंग अप इन द एयर यू इज उसका एक पैर उसका एंटीपर्सनल माइंड के ऊपर आया एंड स्टिल इज नॉट हैविंग इज वन लेग सो दिस ऑल हैव टू फेस वॉर के अंदर बिकॉज एवरी थिंग इज फेयर इन लॉन्ग वॉर कई बार हमने हमारे सामने जब आर्क ऑफ फायर होते थे करने के लिए हमने पेंट भी कटवाई झोंपड़ी भी कटवाई ताकि हमारा आर्क ऑफ फायर ठीक रहे तो एक इंस्टेंस हमारा बहुत वो है जिसकी आनी होती है वो आके रहती है एक बार हम डिफेंस में बैठे हुए थे तो हमारे आगे मुक्ति भाई डमी पोजिशन में बैठे हुए थे तो उनमें डमी में से एक मुक्ति भाई का हमारे साथ था और उसका काम इंटरप्रेटर का था तो उसको जब पाँच दस दिन हो गए तो हमने सोचा है कि ये हमारे साथ रहता है कोई काम नहीं करता इसको आगे भेजते हैं और आगे वाले को एक और को बुला लेते हैं तो उसको हमने कहा कि तुम आगे जाओ और आगे में से एक और को बुला दो सो दैट ही कैन वर्क एज ए इंटरप्रेटर कैन यू बिलीव पाकिस्तान में अटैक उसी रात को आया वो डब्बी पोजिशन के ऊपर और उसमें एक ही आदमी मारा गया वो आदमी जो हमने रात को भेजा था इट मे इंस अलखा वादा कि इसका ये होना है इससे पहले कभी नहीं हुआ हमारे पास एक ही ड्रेस होती थी एक ही वो होता था ये डांगरी और बाकी ड्रेस लेकिन हमारा ये था बॉर्ड के अंदर कि यू हैव टू कैप्चर द मैक्सिमम एरिया विद इन मिनिमम टाइम जितना मैक्सिमम एरिया ले लो और जितना मिनिमम टाइम है वो करो और ये हमारी जो ट्रेनिंग थी जवान्स की ट्रेनिंग थी हमारी विल पावर थी हमारी लीडरशिप थी ऑफिसर्स की हमारा जो सीनियर ऑफिसर्स उनकी जो उनका जो प्लानिंग थी और जो आर्मी नेवी एयरफोर्स उसका वेल well कोऑर्डिनेशन जो था और मुक्ति ने का जो हमारे साथ था मुक्ति भाई ने बिकॉज ऑन फोर्थ दिसंबर वी हैड गॉट द कंप्लीट एयर सिक्योरिटी और प्लेन कैन गो इन द डे टाइम रेकी द एरिया एनीमी लाइन एंड कम बैक एंड वी यूज टू एडवांस द डे टाइम कंप्लीट डे टाइम सुबह हम चलते शाम तक हमारे जो मैप थे वो ख़त्म हो जाते थे नेशनल हाईवे के ऊपर रात को हम हार्बर करते थे रात को हम रेस्ट करते थे मतलब जहाँ मोक कभी करना हो अगर कोई ब्रिज टूटा हो तो or mukti bahini hame they used to tell the enemy locations and they deny the same informations to the enemy and most of the cases surprise was the biggest thing in 71 war in bangladesh because we avoided the frontal attack we, we boycotted the, uh, the enemy positions and left behind the enemy lines and the enemy became so jittery